एसडीएम ज्योति के मामले में नेहा सिंह ने दिया बयान। मनीष दुबे की चर्चा क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के बरेली से पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला प्रदेश से निकलकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मीम से लेकर इस मुद्दे पर गाने बन गए हैं, चैनलों पर इसको लेकर बहस शुरू हो गई है, तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर तमाम कमेंट कर रहे हैं, जिनमें लोग आलोक मौर्य के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं ज्योति मौर्य के बारे में भी कमेंट कर रहे हैं। अब इस मामले में यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर की एंट्री हो गई है। उन्होंने भी इस मामले में बयान दिया है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वहीं इस बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एसडीएम ज्योति मौर्य के समर्थन में उतरी हुई नजर आई हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ज्योति मौर्य की तरह मनीष दुबे की भी चर्चा होनी चाहिए। नेहा सिंह ने कहा कि जिस तरह से ज्योति मौर्य की चर्चाएं हो रही हैं, इस तरह से मनीष दुबे का नाम आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा। लड़कियां ही हर समय चर्चाओं की पात्र क्यों बनती हैं? अगर ज्योति मौर्य शादीशुदा है तो मनीष दुबे भी शादीशुदा है, जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है। बरेली जिले की शुगर मिल में जीएम पद पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। इस मामले पर आगे बोलते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा कि अगर ज्योति मौर्य अपने पति के साथ चीट कर रही है, तो मनीष दुबे ने भी अपनी पत्नी को चीट किया है। और रही बात आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की, तो आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर अपनी शादी ज्योति मौर्य से की थी, ये बताकर कि वह पदाधिकारी है। लेकिन शादी के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। नेहा सिंह ने कहा कि शादी की नींव अगर झूठ पर टिकी हो तो वह ज्यादा दिन नहीं चल सकती। तो वहीं नेहा सिंह राठौड़ के बयान पर कवयित्री अनामिका अंबर जैन ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब आप किसी सामाजिक पद पर हों तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और समाज को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी एक महिला ने ऐसा किया है तो सारी महिला ऐसी नहीं होती। बहरहाल एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ इसको लेकर चर्चाएं हैं, हर तरफ लोग इसी मामले की चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ गया है। ज्योति मौर्य के समर्थन और विरोध के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट की भरमार है। बता दें कि आलोक मौर्य के मुताबिक साल 2010 में उसकी शादी वाराणसी के रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। साल 2015 में ज्योति मौर्य ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। पति आलोक मौर्य का आरोप है कि साल 2020 में उनकी पत्नी ज्योति मौर्य का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध है। और अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।